है भाई बहन। आज के पवित्र सुसमाचार के जरिए अंतिम न्याय के बारे में हम सबों को समझा रहे हैं। जब राजा अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब जैसे भेड़ों को बकरियों से अलग किए जाते हैं, उसी प्रकार राजा लोगों को अपने दाएं भाग में बाएं भाग में एकत्रित करेंगे और अपने दाएं भाग के लोगों को पुकारते हुए उनसे कहेंगे कि मेरे पिता के कृपा पात्रों, तुम सब आओ और तुम्हारे लिए संसार के प्रारंभ से ही सजाए गए उसी स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। आज हम लोगों के समक्ष यही सवाल आ जाता है कि अगर ईसा मसीह के उसी चुने हुए लोग बनने या उन्हीं के राज्य के अधिकारी बनने के लिए मुझको क्या करना चाहिए। ईसा मसीह कहते हैं कि भूखे को खिलाओ, प्यासे को पिलाओ, नंगे को कपड़ा पहनाओ, परदेशी का सेवा करो, बंदी बीमार या अकेलापन महसूस करने वाले लोगों को मिलने जाओ। हम भाई बहनों जिसका जो जरूरत है हमारे क्षमता के अनुसार उन्हीं की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को बना कर रखना है, तब जा करके हम उसी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन सकते हैं। आइए हम सब मिलकर हमारा सेवा कार्यों के जरिए उसी स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन जाए और प्रभु का कृपा पात्र बन जाए। प्रभु कृष्ण अपने आशीषों से हम सबको परिपूर्ण करें। सब यीशु।